अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, जो हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। चॉकलेट केक बनाने के लिए जो हम चीज़ें लेंगे, 2 कप मैदा मतलब 250 ग्राम मैदा, 1 कप चीनी, 100 ग्राम बटर, 1/4 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 4 दत अंडे। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को प्रीहीट कर लेंगे। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे। प्रेशर कुकर में 1 प्याली नमक डाल देंगे ताकि हमारा प्रेशर कुकर जले ना। फिर कोई सी भी प्लेट ले लें, इसे हम इस तरह करके अंदर रख देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे प्रीहीट करेंगे। ना तो हमने विसल लगानी है, मतलब वेट नहीं हमने लगाना, और ना ही हमने इसका जो रिंग होता है वो भी नहीं लगाना। इसे हम बंद कर देंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए हम प्रीहीट होने देंगे, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। उतनी देर में हम केक का बैटर तैयार करते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें बटर डालेंगे। बटर को हम बीट करेंगे। चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब इसमें अंडे डाल के अच्छे से बीट कर लेंगे। अंडों को और चीनी को और बटर को अच्छी तरह बीट करने के बाद अब इसमें हम मिल्क डाल देंगे। अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब हम इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, अब इनको हम छान लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे, सारे बैटर को मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर तैयार हो चुका है। आपके केक का बैटर इस तरह होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं है, थोड़ा सख्त है, तो आप थोड़ा सा हॉट वाटर डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हॉट वाटर डाल दें तो आपका केक का बैटर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर थोड़ा पतला हो गया है तो आप उसमें थोड़ा मैदा और डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये हमारा तैयार है। अब एक बोल लेंगे, कोई सा भी घर में बोल होगा तो आप लें, उसमें बटर लगाएं, बटर पेपर लगा लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो खाली घी, ऑयल या बटर भी लगा सकते हैं। अब ये सारा बैटर हम इसमें डालेंगे। अब इसे हम बेक करेंगे। एहतियात से आप प्रेशर को खोलें। अब इसे हम कवर कर देंगे। अब इसे हम बेक करेंगे 40 से 45 मिनट। फ्लेम को आपने बहुत ही लो रखना है, अगर हाई करेंगे तो आपका केक जल जाएगा। ये देख लें कितना फ्लेम हमने रखा हुआ है। 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। जब आप केक बेक करेंगे तो आपने फ्लेम को इतना रखना है, ये देख लें। 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम देखेंगे। आप किसी चाकू की मदद से देखेंगे, ये पक चुका है। ये देखें, बिल्कुल साफ है, पक चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून भर के हमने बटर लिया, 12 टेबलस्पून हमने आइसिंग शुगर लिया, 1/2 कप हमने कोको पाउडर लिया, और गार्निश के लिए हम लेंगे कोकोनट पाउडर। एक बोल में बटर डालेंगे, इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। साथ ही हम इसमें आइसिंग शुगर डालते जाएंगे 1 चम्मच करके। सारी आइसिंग शुगर डाल के हम इसे बीट कर लेंगे। सॉरी, हम आपको बताना भूल गए थे, थोड़ा सा हम इसमें मिल्क भी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे।
और इसमें अब कोको पाउडर डालेंगे। और इसको बीट कर लेंगे। फ्रॉस्टिंग हमने तैयार कर ली है, इसे साइड पे कर देंगे। केक को निकाल लेंगे अब। केक ठंडा हो चुका है, ये देखिए इजीली निकल गया हमारा केक बटर पेपर लगाने से। अभी भी ये गर्म है, इसके ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा फिर हम कटिंग करेंगे। केक ठंडा हो चुका है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इसकी हमने कटिंग कर ली, कितना सॉफ्ट है ये। हमने इसके दो स्पंज कर लिए इसकी कटिंग करके। अब इस पर हमने जो फ्रॉस्टिंग तैयार की है वो लगाएंगे। ये लगा ली। अब दूसरा वाला स्पंज हम रखेंगे इसके ऊपर, और उसके ऊपर से जो सारी फ्रॉस्टिंग चॉकलेट है वो हम डाल देंगे। सारी साइडों पे भी लगा लेंगे साथ साथ। साइडों पे हम कोकोनट पाउडर लगा देंगे जो हमने रखा हुआ था। ये देखें सारा हमने लगा दिए। अब इसके ऊपर हम बटर क्रीम लगा देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। तैयार है हमारा प्रेशर कुकर केक। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।